बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। ऐसा लगता है कि आमिर खान का करियर डेंजर में है। ये तो हम सब जानते हैं कि आमिर खान हर दो साल में एक मूवी करते हैं और इस बार भी फैंस को दो सालों से भी ज्यादा समय से आमिर खान की मूवी का इंतजार है। लेकिन लगता है कि आमिर खान की फिल्म को देखने के लिए अब उनके फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आमिर खान का करियर ओवर हो चुका है। अगर हम पीपिंग मून के रिपोर्ट की माने तो आमिर खान की मच एंटिसिपेटेड लाल सिंह चड्ढा एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई है और इस फिल्म को अब 2022 के बीच में रिलीज किया जाएगा। वैलेंटाइंस डे का स्लॉट अब एक और लीडिंग प्रोडक्शन बैनर की तरफ से लॉक कर लिया गया है, जो कि एक अपकमिंग रिलेशनशिप ड्रामा मूवी होगी। इस फिल्म में बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस नजर आने वाली है और इस फिल्म की अनाउंसमेंट अब कभी भी की जा सकती है। लाल सिंह चड्ढा के प्रोजेक्ट से जुड़े एक सोर्स ने पीपिंग मून को कहा, लाल सिंह चड्ढाज पोस्ट प्रोडक्शन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज सो मच वर्क पेंडिंग इन इट्स पोस्ट प्रोडक्शन एंड इट कैन नो वे बी रेडी फॉर अ फेब्रुअरी रिलीज। It's a movie made on a big canvas and requires at least 6 months of post-production work. Aamir and the makers don't want to compromise on the quality of the movie and hence have collectively decided to postpone it again by 2-3 months to make it envisioned. A new release date, however, is not locked yet. आपको बता दे, ये तीसरी बार है जब लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट डिले की गई हो। ये फिल्म सबसे पहले क्रिसमस 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इस फिल्म की शूटिंग को एक साल के लिए हॉल्ट पर रखना पड़ा। सेकेंड वेव आने के बाद इस फिल्म के शूटिंग प्लान्स एक बार फिर से डिले कर दिए गए, जिसके बाद से ये फिल्म अब 11 फरवरी 2022 को रिलीज नहीं हो पा रही है। अब अगर हम आमिर खान की बात करें तो उनकी लास्ट रिलीज थग्स ऑफ हिंदुस्तान से लेके लाल सिंह चड्ढा दोनों फिल्मों के बीच लगभग 3 साल का अंतर आ रहा है और इस बीच रिलीज हुई फिल्मों और वेब सीरीज में ऑडियंस ने अपने फेवरेट्स चुन लिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि साउथ इंडियन मूवीज भी अब बॉलीवुड पर अपना दबदबा बना रही हैं। जिस तरह की मूवीज वो लेकर आ रहे हैं, ऑडियंस उन्हें काफी पसंद कर रही है। अब ऐसे में अगर आमिर खान अपनी मूवी इतने लंबे समय के गैप के बाद रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग पर वो अपनी छाप छोड़ने में थोड़ा सा चूक जाएंगे। अगर हम आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा मूवी की बात करें तो ये टॉम हैंक्स की 1994 की हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गम की रीमेक है। इस फिल्म में एक स्लो विटेड और काइंड हार्टेड मैन की कहानी दिखाई गई है, उसके बचपन से लेके उसके जवानी के दिनों तक। इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस, वाईकॉम 18 स्टूडियो और पैरामाउंट पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म में उनके अलावा करीना कपूर खान, नागा चैतन्या और मोना सिंह भी नजर आएंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म को भारत के 100 लोकेशंस में शूट किया गया है। वेल, आमिर खान से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।